UGMEB यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने 7 जून को एक नोटिस जारी किया, जिसमें एक पुराने नोटिस के बारे में जिक्र करते हुए आगे बताया कि ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस को ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से सप्लीमेंट करता हो अब से यानी कि 7 जून से मान्य नहीं होगा। बोर्ड को लगता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स द्वारा दिए गए कॉम्पनसेटरी सर्टिफिकेट्स के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए MBBS कोर्स के दौरान हुए ऑनलाइन क्लासेस के बदले कॉम्पनसेटरी सर्टिफिकेट्स अब से वैलिड नहीं होगा। नोटिस में आगे बताया गया कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपने कोर्स पूरा करने के दौरान किसी भी ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन क्लास लिया है तो उन्हें FMG परीक्षा पास करने और उसके बाद 2 या 3 साल की अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप CRMI पूरा करना होगा। इस पूरे नोटिस पर लोगों का तीखा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने कहा, इफ एन MC डजंट वांट इंडियन स्टूडेंट्स टू गो आउटसाइड एंड स्टडी मेडिसिन दे शुड बैन इट ऑफिशियली। व्हाट प्लेजर डू दे गेट इन हैरेसिंग द FMG स्टूडेंट्स। 2 year इंटर्नशिप इज ऑलरेडी वन ऑफ द सिलियस डिसीजन एंड नाउ 2-3 years व्हाट पर्पस डज इट सॉल्व। आपका इस नोटिस पे क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।